प्रोक्योरमेंट जो है वो चाइना के अंदर हो रही है, लेकिन यहाँ पे बड़ा हिस्सा जो है जो चाइना से प्रोक्योरमेंट हो रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के तवसत से हो रहा है, और उसमें हमारे साथ जो है NDMRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जो हैं वो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वही हमारे साथ इसको ला रहे हैं चाइना के अंदर से। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये $50 मिलियन के ऊपर मुश्तमिल है, और ये आज उसमें पहला जहाज़ है जिसके अंदर तकरीबन 152 के करीब वेंटिलेटर्स, कोई 20 के करीब एक्सरेज और दूसरा सामान जो है आज आया है। इंशाल्लाह अगले 3-4 जहाज़ जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है जो इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है वो हमारे साथ आता रहेगा। इस सामान में ज़्यादातर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉरटरीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, NDMA की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और NDMRF का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इस सामान को स्पॉन्सर किया और फंड्स मुहैया किए। बहुत शुक्रिया।